बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं क्या सीखें। दोस्तों, आपने बहुत सारी YouTube की वीडियो के थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा कि YouTube की वीडियो को वॉच करें और इतने डॉलर कमाएं विदाउट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बगैर इन्वेस्ट किए आप YouTube की वीडियो को देखें और इतने पैसे कमा लें। दोस्तों, आप खुद सोचें, अगर YouTube की वीडियो को देख कर पैसे कमाने इतने आसान होते तो हर कोई YouTube की वीडियो को देखकर पैसे कमा रहा होता, कोई क्रिएटर ना बनता, यानी कि कोई YouTube की वीडियो को बनाता ना, बल्कि YouTube की वीडियो को वॉच करता रहता और पैसे कमाता रहता। ये आंखों का धोखा है, बिल्कुल झूठ लिखा होता है। असल में इसकी क्या हकीकत है और किस तरह से लोग YouTube की वीडियो को वॉच करके पैसे कमाते हैं, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में चल के आगे डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। बातें हमने बहुत सारी कर ली हैं, तो आइए हम चल के सीखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक छोटी सी बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हम सबसे पहले YouTube को ओपन करते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं वेट लूज एक्सरसाइज। आप सर्च के ऊपर क्लिक करें, जैसे आप सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने काफ़ी सारे रिज़ल्ट शो हो जाते हैं वेट लूज एक्सरसाइज के हवाले से। राइट साइड पे आप देखें तो आपको एक कॉर्नर के ऊपर एक ऑप्शन मिलता है फिल्टर का, आपने सिंपल फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने बाकी सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है व्यू काउंट का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं व्यू काउंट के ऊपर, तो आपके सामने टॉप के ऊपर जिनके व्यूज़ सबसे ज़्यादा होंगे वो वाली वीडियो शो हो जाएंगी, नीचे जिनके व्यूज़ कम होते जाएंगे वो वाली वीडियो आती जाएंगी। तो यहाँ पे देखें आपको काफ़ी सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, यहाँ से कोई एक वीडियो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये एक वीडियो, हम ये वाली वीडियो चूज़ कर लेते हैं, इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसका मैं लिंक कॉपी कर लेता हूँ। हम आ जाते हैं दोबारा गूगल के ऊपर और यहाँ पे आके टाइप करते हैं यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर। जैसे ही हम टाइप करते हैं हमारे पास काफ़ी सारे रिजल्ट शो हो जाते हैं, यहाँ से हम फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट लिंक को हमने ओपन किया और यहाँ पर हम जो लिंक हमने कॉपी किया था वो वाला लिंक हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हमारा थंबनेल जो है मैं शो हो जाता है। इसको राइट क्लिक करते हैं और सेव इमेज के ऊपर क्लिक कर देते हैं, यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं। इस इमेज को हमने सेव कर लिया है। अब हमने बनाना है अपना एक लैंडिंग पेज जो हम बनाएंगे गूगल साइट की मदद से। आप गूगल पर दोबारा आएँ और सर्च करें गूगल साइट, तो यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपने किसी भी जीमेल से यहाँ पे साइन इन कर लेना है। तो मैंने पहले से साइन इन किया हुआ है, यहाँ पे सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं हमारे सामने गूगल साइट के बाकी सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको एक ऑप्शन मिलता है ब्लैंक का, इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है ब्लैंक के ऊपर। जैसे ही आप ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से व्यू शो होगा। साइट के ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है और ये वाला एरिया जो है वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो आपको एक ऑप्शन मिलता है इमेज का, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है, अपलोड के ऊपर आना है और यहाँ से वो वाली इमेज आपने चूज़ करनी है जो आपने डाउनलोड करके रखी हुई है। इस इमेज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ड्रैग कर लेते हैं। इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करें अनक्रॉप के ऊपर, ये वाली पूरी पिक्चर आपकी जो है वो शो हो जाएगी। राइट साइड पे आप देखें तो आपको एक ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का, यहाँ पे सिंपल आप टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करें, आपका टेक्स्ट बॉक्स ऐड हो जाता है। इसको हम ड्रैग कर लेते हैं ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पे हम ले आते हैं इसको ड्रैग करके। यहाँ पे हम टाइप करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो वाला नेम भी हम दे सकते हैं जो थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है। हम यूट्यूब के ऊपर दोबारा चलते हैं, जो वीडियो का नेम दिया हुआ है टाइटल के ऊपर हम वो वाला नेम ले लेते हैं। यहाँ से हम ये वाला नेम कॉपी करते हैं, हम चाहते हैं ताकि सेम नेम रखें, यहाँ पे हम वो वाला नेम पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ से हम सेट कर देते हैं, इसको यहाँ से आप बोल्ड कर लें और फॉन्ट साइज को हम बढ़ा देते हैं और टेक्स्ट को आप जो रखना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इन डॉट्स के ऊपर आप क्लिक करें, यहाँ से इसको हम सेंटर अलाइन भी कर देते हैं ताकि अलाइनमेंट इसकी ठीक हो जाए। और यहाँ से इस हिस्से को मैं सिलेक्ट करता हूँ और कलर इसका मैं चेंज करता हूँ, रेड कर देता हूँ, बाकी का कलर हम ब्लैक ही रहने देते हैं। एक और टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड करते हैं और यहाँ पे सेकंड लाइन में हम टाइप करते हैं कुछ और। सेकंड लाइन में हम ऐड करते हैं वॉच दिस वीडियो टू लूज योर वेट
एट होम विद इजी स्टेप्स, इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से सेंटर लाइन में कर देता हूँ। इन डॉट्स के ऊपर आप दोबारा क्लिक करें, इस एरो के ऊपर आएं और सिंगल स्पेस कर दें और यहाँ से इसको भी आप इस तरह सिंगल स्पेस कर दें ताकि थोड़ी सी स्पेसिंग भी ठीक हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो हमारा लैंडिंग पेज जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे हमने अपना कमाई का जरिया जोड़ना है, तो वो किस तरह से जोड़ना है वो मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि हमने जो वेबसाइट यूज़ करनी है वो वेबसाइट है ये, इसके ऊपर हमने अकाउंट क्रिएट करना है। वो अकाउंट भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हमने अकाउंट क्रिएट करना है। सबसे पहले हम इसके ऊपर चेक कर लेते हैं कि क्या ये वाकई जेन्युइन वेबसाइट है, यानी कि पेमेंट देते भी हैं या नहीं देते। ये ना हो कि हम काम करते रहें और बाद में हमें एक महीने बाद दो महीने बाद पता चले कि यहाँ से तो हम पेमेंट ले ही नहीं सकते, यानी कि पेमेंट ही हमारी नहीं निकलेगी, हमारी मेहनत भी ज़ाया होगी, हमारा काम भी ज़ाया होगा। तो सबसे पहले हम पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखें इन्होंने एक लिमिट रखी हुई है कि जब आपके $10 बन जाते हैं तो तब आप इसको निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप तो गूगल पे सर्च करेंगे स्कैम एडवाइज़र, इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आप देखें इसका लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, तो ट्रस्ट स्कोर इसका 100% है, यानी कि ये वाकई जेन्युइन वेबसाइट है, रियल है, पैसे देती है, स्कैमर नहीं है। यानी कि इस वेबसाइट पे अगर आप काम करते हैं तो आपको उसकी पेमेंट मिलती है। अब हमने पेमेंट प्रूफ भी देख लिया, पेमेंट को भी चेक कर लिया कि जब हमारे $10 बनेंगे तो उसके बाद हम इससे पेमेंट निकलवा सकते हैं। डैशबोर्ड हमारा ये है इस तरह का। तो अब हम आ जाते हैं कि इसका हमने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है। सिंपल है अकाउंट क्रिएट करना। इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखें वेबसाइट जैसे ही आप इसका ओपन करते हैं तो फर्स्ट व्यू यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि अर्न मनी ऑनलाइन, यानी कि आप ऑनलाइन पैसे किस तरह से कमा सकते हैं। नीचे उन्होंने एक छोटी सी लाइन में लिखा हुआ है शेयर लिंक एंड अर्न मनी ऑन एवरी विजिटर हु क्लिक ऑन योर लिंक, यानी कि जो भी आप लिंक किसी को शेयर करेंगे जब उसके ऊपर यूज़र उसको क्लिक करेगा तो आपको उसके क्लिक करने के पैसे मिलेंगे। तो अब हम आ जाते हैं रजिस्टर की तरफ। यहाँ पे सिंपली आपने इसके रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने याद रखना है जो स्टार यहाँ पे लगा होता है वो वाले हमने लाजमी फिलअप करने होते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र नेम देना है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है और पासवर्ड को दोबारा से रिकन्फर्म करना है, आई एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपने इनको चेक करना है और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है और रजिस्टर इस कैप्चा को आपने फिल कर लेना है, वेरीफाई करना है और उसके बाद आप सिंपल रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर लेते हैं अपने आप को तो आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो हो जाता है। अब आ जाता है हमारा मेन काम कि हमने लिंक किस तरह से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप ऊपर टॉप पे देखें तो आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट लिंक का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है URL का कि आप अपने पेज का URL डालें। अगर आपकी वेबसाइट है तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं, अगर आप YouTube की वीडियो का लिंक देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ से वो वाला लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ जो वीडियो हम लगाना चाह रहे हैं, जो लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं उसका लिंक मैंने यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने एक और ऑप्शन आता है कि यहाँ पर आप अपनी वीडियो का कोई शॉर्ट सा टाइटल दें, यानी कि नेम दें उस वीडियो का। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने जो वीडियो का नेम YouTube के ऊपर दिया हुआ है वो वाला नेम आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने दे देना है। तो यहाँ से मैं नेम दे देता हूँ, ये नेम यहाँ पे चेक होता जाएगा। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है लिंक टाइटल, यानी कि आपने दूसरे ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इस वीडियो का पूरा नेम दे देना है। जैसे ही आप इसके पूरा नेम देते हैं तो यहाँ पर ये चेक हो जाता है, नीचे आ जाता है डिस्क्रिप्शन का, यहाँ पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप उसी वीडियो के यहाँ से कुछ डिस्क्रिप्शन ले लें। वीडियो को हमने ओपन किया हुआ है, यहाँ से हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। नीचे आ जाता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं उनके आपने चेक मार्क करना है। आप प्लस के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे ओके कर दें और इसको चूज़ करें और नेक्स्ट को चूज़ करें और यहाँ से हम प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं और इसको भी हम चूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि यहाँ पे आपने पिक्चर ऐड करनी है, तो थंबनेल ऐड करने के लिए हम वही वाला थंबनेल ले लेते हैं जो वीडियो का हमने लगाया हुआ है।
यहाँ पे ये वाला थंबनेल हम चूज कर लेते हैं। सिंपल आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐड शो हो जाएंगे जो इस वेबसाइट के ऐड हैं जिनके ज़रिए हमारी अर्निंग होनी है। यहाँ पे देखें दो ऐड हमें दिए जाते हैं, स्किपेबल ऐड है और नॉन स्किपेबल ऐड है। इन दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट ऐड है इसको हम चूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसके ज़रिए हमारे यूज़र ज़्यादा आते हैं, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने हमारा लिंक, यहाँ से हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं और आ जाते हैं अपने इस लैंडिंग पेज की तरफ। जो हमने लैंडिंग पेज क्रिएट किया था उसकी तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हमने एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम नीचे एक छोटा सा टेक्स्ट लिख देते हैं, वॉच दिस वीडियो क्लिक हियर, यानी कि जो लोग यहाँ पे वीडियो को देखना चाहते हैं वो इस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप चाहें तो कोई बटन भी ऐड कर सकते हैं। हम जो टेक्स्ट लिखते हैं इस टेक्स्ट के ऊपर हमने अपना लिंक ऐड करना है। तो सिंपल यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंसर्ट लिंक का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपने वो वाला लिंक जो आपने कॉपी किया हुआ था वो वाला लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है और अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो लिंक हमारा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। अब जो लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे वो इस वीडियो तक जाएंगे, लेकिन ऐड से होने के बाद जब वो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे आपको आपकी अर्निंग मिल जाएगी। तो जो लोग वीडियो को देखना चाह रहे होंगे वो ऐड के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो की तरफ पहुँच जाएंगे, यानी कि उनको उनकी वीडियो मिल जाएगी और हमें हमारे पैसे मिल जाएंगे। अब हमने अपने लैंडिंग पेज को पब्लिश करना है तो आप राइट साइड पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है पब्लिश का, इसके ऊपर सिंपल आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपसे वो वेबसाइट का एड्रेस पूछेगा। यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पे हम वेट लूज एक्सरसाइज 1 2 3 कुछ भी हम दे सकते हैं, जो यहाँ पे अवेलेबल होगा वो आपको शो हो जाएगा। सिंपल आपने पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे हम सिंपल पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारी साइट जो है वो पब्लिश हो चुकी है। यहाँ पे आप देखें तो हमें एक लिंक का ऑप्शन मिलता है, यानी कि पब्लिश होने के बाद जो हमारी वेबसाइट है उसका लिंक कहाँ पर हमें मिलेगा। इस बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कॉपी लिंक करते हैं। नए टैब में मैं आपको लिंक को ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही यहाँ पे हम लिंक पेस्ट करते हैं हमारे सामने हमारी साइट जो है वो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप देखें हमें ऑप्शन मिलता है वॉच दिस वीडियो क्लिक हियर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो हमने ऐड लगाया था वो वाली वेबसाइट, वो वाला लिंक जो है ओपन हो जाता है। ये वो वाला ऐड शो हो रहा है और यहाँ पे फ्री एक्सेस के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही यूज़र फ्री एक्सेस के ऊपर क्लिक करेगा उसे उसकी वीडियो शो हो जाएगी, यानी कि वो डायरेक्ट ले जाएगा यूट्यूब के ऊपर और जो वीडियो का हमने लिंक दिया था यूज़र अपनी वीडियो यहाँ से आके वॉच कर लेगा। तो इस तरह दोस्तों यूज़र को उसकी वीडियो मिल जाएगी जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, और वो ऐड के ऊपर जब क्लिक करके अपनी वीडियो तक पहुंचेगा उस ऐड की मदद से आपको अर्निंग होगी। दोस्तों जब आप सारा प्रोसेस कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट आपके पास ऑप्शन बचता है कि हमने इस लिंक को शेयर करना है सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप फेसबुक को यूज़ करें, पिंट्रिस्ट को यूज़ करें, क्योंकि पिंट्रिस्ट की ज़्यादातर ट्रैफिक जो है वो USA की होती है, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सकती है। तो मैंने पिंट्रिस्ट को ओपन किया हुआ है। तो सिंपल आप क्रिएट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आप क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने पिक्चर को ड्रैग करना है, यानी कि वो वाली पिक्चर लगानी है, और यहाँ पे आपने उस वीडियो का नेम दे देना है जो हमने नेम यूट्यूब के ऊपर लिखा हुआ देखा था, वही वाला नेम हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में मज़ीद कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। नीचे आपको लिंक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपने लिंक लगाना है, वो वाला लिंक जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। इस लिंक को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिंक को हम ऐड कर देते हैं। लिंक को ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपल सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी जो वीडियो है, जो आपका लिंक है, ये पिंट्रेस्ट के ऊपर शो हो जाएगा, यानी कि
लोगों तक पहुंच जाएगा। जी दोस्तों, आपने कोशिश करनी है कि 4 से 5 लिंक डेली के क्रिएट करके पिंट्रेस्ट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर शेयर कर दें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। इस तरह दोस्तों हम विदाउट इन्वेस्टमेंट यानी कि बग़ैर इन्वेस्ट किए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैंने दोस्तों अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको आसानी के साथ समझा सकूं, फिर भी आपको लगता है कि आपको कहीं से समझ नहीं आई, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप जितने चाहें मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दोस्तों आप कोशिश किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक और छोटा सा कमेंट्स भी कर दिया करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए दिल खोल के मेहनत करते हैं, वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं आप लोगों के लिए इस तरह की छोटी छोटी अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं एक न्यू ज़बरदस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।